दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं मक्का के अंदर क्या है? क्या सच में मक्का मदीना के अंदर शिवलिंग यानी शिव मंदिर मौजूद है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, सऊदी अरब के ऐतिहासिक हिजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ पर काबा तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद मस्जिद अल हराम मौजूद है। यहाँ की जनसंख्या 2020 की जनगणना के आधार पर लगभग 20 लाख से अधिक होगी, परंतु प्रति वर्ष इससे 3 गुना ज़्यादा हज तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं। हज के लिए तीर्थयात्री प्रति वर्ष धू अल हिजाज के समय यहाँ पहुँचते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि यहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के समय पहली शताब्दी में पवित्र मक्का पूरे इस्लाम जगत का आधार माना जाता था। कहा जाता है कि यहीं से इस्लाम धर्म को दुनिया जानने लगी। मस्जिद कुबा, मस्जिद नवावी और मस्जिद अल किबलातेन, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन मस्जिदों में एक है, ये मदीना शहर में स्थित है। ऐतिहासिक सूत्र की माने तो इस्लाम धर्म से परिचित होने से पहले यासरीफ नाम से इस पवित्र स्थल को पहचाना जाता था। इसके बाद पैगंबर साहब ने इस शहर का नाम मक्का रखा। इस्लाम धर्म को मानने वाले हर इंसान विश्व के चाहे किसी भी कोने में रहे, लेकिन वो हमेशा 5 समय की नमाज उसी दिशा में अदा करते हैं जहाँ मक्का में पवित्र काबा स्थित है। अरब पायदीप में स्थित सऊदी अरब देश पूरे इस्लामिक जगत में सर्वश्रेष्ठ इस्लामिक देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र मक्का मदीना, जो कि इस्लाम की नींव है, वो स्थित है। मक्का मदीना में केवल मुसलमान ही हज यात्रा के लिए जा सकते हैं। गैर मुसलमानों को इस स्थल पर जाने की पूरी तरह से पाबंदी है। दोस्तों, प्राचीन समय में पवित्र मक्का मदीना व्यापार का केंद्र हुआ करता था, जिसे अल मदीना अल मुनब्बरा के नाम से जाना जाता था। पवित्र मक्का इस्लामिक रीति रिवाजों में सबसे पवित्रतम स्थल माना जाता है, जिसके बाद पवित्र अल मदीना इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर माना जाता है, जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हम लोगों को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के आस्थाओं से जुड़ी ये पवित्र स्थल पर पैगंबर साहब के पवित्र पदचिन्ह संभाल कर रखे गए हैं। सभी हज तीर्थयात्री पैगंबर साहब के पदचिन्हों को चूम कर अल्लाह की खिदमत करते हैं। अब हम लोग पवित्र काबा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मक्का में ही पवित्र काबा है। काबा वो पवित्र क्यूब आकार का इमारत है, जिसे माना जाता है कि वो 1400 साल से भी पुराना है, परंतु इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे इब्राहिम के समय से जोड़ा जाता है। पूरे विश्व के सभी मुसलमान, चाहे वो कहीं भी हो, नमाज पढ़ते समय काबा की ओर मुंह करके नमाज अदा करते हैं। मक्का में पत्थरों से बना हुआ एक विशाल मस्जिद है, जिसके बीचों बीच काबा मौजूद है। काबा ग्रेफाइट पत्थरों से बना हुआ 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा इमारत है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं, परंतु एक दरवाज़ा है। जो लोग भी हज के लिए जाते हैं, वो तवाव नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमा करते हैं। काबा की पूर्वी कोन में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर स्थित है। काबा के 7 चक्कर लगाने के बाद इसे सभी मुसलमान हज तीर्थयात्री चूमते हैं। मुसलमानों के जीवन काल के लिए मक्का शहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। मक्का शहर समुद्र तट से लगभग 910 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ शराब पीना पूरी तरह से मना है, क्योंकि ये पवित्र स्थल है। कई लोग बेवजह गलतफहमियां फैलाते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। शरीयत के मुताबिक कोई भी गैर मुसलमान, विशेषकर हिंदू धर्म के लोग, मक्का मदीना में तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जा सकते। इसीलिए लोग और भी उत्सुक होते हैं। इस सापेक्ष में धर्म को लेकर हमेशा कई विवाद होते रहते हैं। ये बेहद ही विवादास्पद मुद्दा बन जाता है। ऐसा बहुत कुछ आपने इंटरनेट पर देखा भी होगा कि मक्का में कुछ हिंदू रस्म भी निभाए जाते हैं, और वहाँ शिव जी का मंदिर और शिवलिंग भी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं। मक्का में ना ही कोई शिवलिंग है, ना ही कोई मंदिर। वहाँ कोई भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा नहीं किया जाता। वहाँ जो भी होता है, वो सिर्फ इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है। तो मक्का के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।